इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी जी। मनीष जी, आपके कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं पंजाब के, वो कह रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू कि पाकिस्तान से हमको चर्चा करनी चाहिए, व्यापार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया के और देशों में या पड़ोसी मुल्कों से इस तरीके से लोग नहीं आते हैं। उन्होंने जो है कई तरह से पाकिस्तान का बचाव करने की कोशिश की। देखिए, ऐसा है कि जब तक पाकिस्तान भारत में हथियार, नशीले पदार्थ और आतंकवादी भेजना बंद नहीं करता, ड्रोन्स के माध्यम से और घुसपैठियों के माध्यम से, तब तक का ये सारी बेबुनियाद बात है। जब भी पाकिस्तान के साथ कोई सेटलमेंट होगा भविष्य में, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट होगा, और वो सेटलमेंट तब तक नहीं हो पाएगा जब तक पाकिस्तान, जो 1971 की लड़ाई में उनकी शिकस्त हुई थी, उससे वो उभर पाए। जो 1971 की डिफीट है, वो पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशनल साइकी है फौज की, उसके ऊपर बिल्कुल स्टैम्प्ड है। और इसलिए ये जो पूरी रणनीति है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, उसको 1975 से क्रियान्वित किया गया है। तो अगर कोई समझता है कि व्यापार चलाकर या आवाजाही से या पर्यटन से ये मुद्दे सुलझेंगे, तो मैं किसी के ऊपर टोका टाकी नहीं करना चाहता, पर ये सामरिक का लिहाज से बहुत ही बचकाना सोच। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का ये कोई पहली बार बयान नहीं नवजोत सिंह सिद्धू साहब का, वो इससे पहले भी देते रहे, तो क्या ये पार्टी की लाइन है या वो अपनी निजी राय है? ये पार्टी उसको काउंटर भी नहीं कर रही है। ये आप उनसे जाके पूछिए कि किसकी राय है, किसकी नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, और मैंने इसके बारे में बोला भी है, लिखा भी है, और मैं मानता रहा हूँ कि व्यापार और पाकिस्तान से समर्थित आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकता। यानी साफ तौर पर मनीष तिवारी का ये कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू की राय निजी राय है, पार्टी की राय है, ये उनको क्लियर करना चाहिए क्योंकि वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष है। लेकिन मनीष तिवारी ने साफ कहा है कि पाक समर्थित आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और जब तक ये आतंकवाद चलेगा तब तक ना बातचीत हो सकती है और ना ही किसी तरह का व्यापार या कोई और संबंध रखा जा सकता है। यानी साफ तौर पर कांग्रेस में दो जो है पक्ष सामने आ रहे हैं। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार पाकिस्तान से बातचीत की, व्यापार की वकालत करते रहते हैं, तो दूसरी तरफ मनीष तिवारी ऐसे नेता जो लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के उन बयानों का विरोध कर रहे हैं। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।